नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इस समय राम राज्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है और उसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय गुंडों ने पटेल समाज के एक व्यक्ति को आग से जिंदा जला दिया है। मामला क्या है, पूरे मामले को आप समझिएगा। मामला है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का और गांव जो पड़ता है गौना, थाना जो पड़ता है नराहट। यहां का मामला है इंदल पटेल और गुड्डू ठाकुर दोनों साथ साथ मिल करके ईंट का व्यवसाय करते हैं। ईंट के व्यवसाय में फायदा होता है और ईंट के व्यवसाय में जब फायदा होता है तो यहां पर इंदल पटेल गुड्डू सिंह से पैसा मांगते हैं। जब पैसा मांगते हैं तो इसी चीज़ को लेकर के कहासुनी होती है और गुड्डू ठाकुर पैसा देने से मना कर देता है। जब कहासुनी होती है तो उसके बाद गुस्से में आकर गुड्डू ठाकुर और उनके कुछ सहयोगी दर्जनों लोग इंदल पटेल के घर पहुंचते हैं और पेट्रोल डालकर जिंदा जला देते हैं। और आप ये समझ सकते हैं ये मामला इस समय बहुत तूल पकड़ चुका है और इस मामले को लेकर सरकार तो घिरी ही है। सरकार के जो कारनामे हैं बुलडोजर की नीति है, लोग पूछ रहे हैं बुलडोजर कहाँ है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का बयान आया है, इस बयान को ही मत सुनिए, उसके आगे भी मैं आपको तमाम चीज़ें इसमें बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के सजातीय गुंडों का आतंक चरम पर पहुँच चुका है। अब सत्ता का संरक्षण प्राप्त सामंतियों ने ललितपुर जिले के नराहट थाना अंतर्गत पिछड़े वर्ग के कुर्मी समाज के भाई इंदल पटेल को घर में घुसकर जिंदा जला दिया है। बताया जाता है ना राम राज चल रहा है, बहुत सारे लोग परदेश में रहते हैं, कितने मामले तो पहुंच ही नहीं पाते, कितने मामलों में FIR भी नहीं हो पाती। हालांकि इस मामले में FIR हुई है, देर सवेर कैसे भी। इंदल पटेल ने अपने गांव गौना के गुड्डू ठाकुर के साथ पार्टनरशिप में ईंट का व्यवसाय किया था। जातीय दंभ से चूर गुड्डू ने सारे ईंटें बेचकर पूरा पैसा खुद हड़प लिया। जब इंदल पटेल ने गुड्डू से अपना हिस्सा मांगा तो गुड्डू और उनकी सामंती मानसिकता की गुर्गों ने इंदल पटेल के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। इतने से भी मन नहीं भरा तो भाई इंदल पटेल पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। पीड़ित की हालत गंभीर है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैं इंदल भाई पटेल की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस तरह के मामलों में अब आरोपी मुख्यमंत्री का सजाती है तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं इनकी पुलिस और सख्त STF कहाँ छुप जाते हैं। मैं और पूरी आज़ाद समाज पार्टी इस दुख की घड़ी में इंदल पटेल के साथ खड़े हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ उठाई है, तमाम आवाज़ें उठ रही हैं। तो आप ये देखिए कैसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस का बयान भी आया है, पहले बयान सुनिए और भी चीज़ों को हम आपको बताते हैं। थाना नालाहट जनपद ललितपुर अंतर्गत ग्राम गौना निवासी हुकुम सिंह द्वारा थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अनुरोध पंजीकरण कर प्रकरण की गंभीरता से जांच प्रारंभ की गई। जांच से ज्ञात हुआ कि आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों ही एक साथ ईंटों का व्यवसाय करते थे। उसी के उद्योग के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद था। दिनांक 6/9/2024 को शराब के नशे में इसी विवाद के चलते वादी मुकदमा के पुत्र और विपक्षी दल के बीच गाली गलौज और मारपीट की घटना हुई है। इस तथ्य की गहनता के साथ जांच और परीक्षा की जा रही है कि किन परिस्थितियों में आग लगने की घटना हुई। अब तक की जांच से नामजद कुछ आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी नहीं पाई गई है। अभियोग में नामजद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैशटैग चल रहा है और यहाँ पर शैलेश वर्मा लिखते हैं आग लगी तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ कोई मेरा मकान थोड़ी है, पिछड़ों पर अत्याचार, कभी बुलडोजर, कभी इनकाउंटर, कभी नौकरी, कभी शिक्षक भर्ती, घोटालों के जरिए हो रहा है। और ये जो मामला है बहुत ही बड़ा मामला है और इस मामले को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरीके से नहीं दर्शा रही है जिस तरीके से अन्य मामलों को लेकर दर्शाती है। जिस तरीके से अगर यहाँ पर अगर कोई मारने वाला व्यक्ति यादव होता, कोई मुसलमान होता, आग लगाने वाला व्यक्ति, तो गुर्दी मीडिया में चारों तरफ आग की तरह खबरें फैलती। लेकिन इस
खबर को छुपाया जा रहा है, इस खबर पर सत्यता छुपाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आवाज़ उठाई गई है इंदल पटेल को लेकर के। आप समझिएगा, ललितपुर युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया है और इसको लेकर के जनता में बहुत आक्रोश है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। आप इस वीडियो को अधिकतम लोगों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार।